सही समय पर नहीं देखे, जब ये पुरुष वन से नाचते हुए आता है बांसुरी बजाते हुए अपने अधरों पर, और उस समय गोपियां देखती हैं खुशी के साथ। तो ब्रजमंडल भगवान का अपना खास निवास स्थान है, और यहाँ पर भगवान बिल्कुल भगवान के रूप में ही लीला करते हैं। यहाँ कोई मर्यादा नहीं, मर्यादा का बंधन नहीं, कुछ नहीं, पूर्ण लीला विलासी। तो इस कारण से भगवान सोच भी नहीं रहे थे मथुरा जी के विषय में, इतना वे आनंद में हर हर। तब नारद जी यही याद दिला रहे हैं कि कम से कम संकल्प भी तो कीजिए, हम तो ये कहते हैं कि चल लिए और आप अवश्य हमारी इच्छा पूरी करेंगे, इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। सत्वं भूधर भूतानां दैत्य प्रमथ रक्षसाम अवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च। तो आप तो सृष्टि स्थिति संहार करते हैं अपने कर्मदक्षाय स्वरूप से या गर्भदक्षाय स्वरूप से, लेकिन आप अवतार लिए हैं तो ध्यान दीजिए आप किस लिए अवतार लिए। सत्वं भूधर भूतानां, भूधरा राजानां, राजाओं को भूधर कहा जाता है, पृथ्वी को धारण करते हैं। तो जितने भी राक्षस दैत्य प्रमथ लोग हैं वे लोग राजाओं के रूप में जन्म लिए हैं और पृथ्वी के भार बने हुए हैं। तो पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अर्थात दैत्य प्रमथ राक्षसों का वध करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हसी आप अवतार लिए। अवतार के पूर्व आपसे प्रार्थना की गई थी क्षीर समुद्र के तट पर जाकर, और आपने कहा भी कि ठीक है हे देवताओं आप निर्भय हो जाओ मैं अवतार लूंगा। तो हे नाथ आप इसी के लिए अवतार लिए हैं, दैत्य प्रमथ रक्षसाम, दैत्य प्रमथ और रक्षसाम राक्षस इतने बुरे जीव हैं उनके लिए सब शब्द दिया गया। तो वे सब भूधर भूता नाम ये लोग इस समय भूधर भूत हो गया अर्थात राजा बने हुए हैं, दैत्य आदि राजा बने हुए हैं, तो उनका वध करने के लिए और सेतूनाम रक्षणाय च अथवा साधुनाम रक्षणाय च साधुओं की रक्षा के लिए, वेद मार्ग की रक्षा के लिए, जो लोग आपकी भक्ति करते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, और भक्ति के जो विरुद्ध है उनका विनाश करने के लिए आप अवतार लिए हैं। इस बात पर आप कृपा करके ध्यान दीजिए। दृष्टे आते निहतो दैत्यो लीलायम हयाकृति। और फिर भगवान मान लीजिए अगर यह कहें कि नारद जी तो क्या मैं किसी दैत्य आदि का वध नहीं किया क्या अब तक, अवतार लिया हूं तो कुछ तो काम कर रहा हूं ना। तो कहते हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ, दृष्टया लोकानां सौभाग्य ना, तो लोगों का सौभाग्य है कि इस दैत्य का आपने वध किया जो हयाकृति जो घोड़े के रूप में आया था। और जस हेषित संत्रस्ता तजंत अनिविषादिन, इसके हिनहिनाहट से इसके शब्द से देवता लोग डर कर अपना घर द्वार छोड़कर भाग जाते थे, स्वर्ग से भाग जाते थे। इसका मतलब कितना लाउड यह हिनहिनाता था। पहले भी कहा गया कि सारा विश्व त्रस्त हो गया था इसके बोलने से। कभी कभी लोग समझेंगे कि सुखदेव गोस्वामी ऐसे ही बोल देते हैं कि सारा विश्व त्रस्त हो गया, लेकिन नारद जी भी यहाँ कह रहे हैं कि जिसके हैसियत से जिसके हिनहिनाहट से देवता लोग भी अपना घर द्वार छोड़कर भाग जाते, वो सोचते थे कि यहाँ आएगा अथवा इसके बोलने से हमारा घर विमान ध्वस्त हो जाए, भूकंप आ जाए तो हम मर सकते हैं, ये जो कुछ भी हो उनको भय हो जाता था। और वो लोग अपना घर द्वार जो निश्चित इनका एड्रेस होता था वो छोड़ करके और सुमेरु पर्वत की गुफा में भाग जाए, वो डर हो जाता था कि आएगा स्वर्ग में और सबको मारेगा पीटेगा जान से खत्म कर। अब बताइए क्या नारद जी भी फालतू बोल रहे हैं? तो सुखदेव गोस्वामी वही बात कह रहे हैं और श्री नारद जी यही बात कह रहे हैं। तो वैसे है प्रभु आपने अरिष्ट आदि का वध किया, अघासुर बकासुर आदि का वध किया,
वो तो ठीक है, लेकिन जो ये इसका वध किया बहुत अच्छा किया, विष्ट अस्मत भाग्य न अथवा लोका नाम भाग्य न महान भाग्य बहुत अच्छा हुआ। तो इसी से तो मैं विश्वास कर रहा हूँ कि अब आगे चालू हो गया। चारुणम मुष्टिकम चैव मल्लान अन्याश्च हस्तिनम कंसम च निहतम दक्षे परसो हनिते विभो। हे सर्व समर्थ प्रभु, चारुण मुष्टिक चैव मल्लान अन्याश्च हस्तिनम, मैं चारुण को, मुष्टिक को और अन्य पहलवानों को, सल तो सल कुट को, अन्य लोगों को भी, और हस्तिनम कुबलया पीड़ को, और कुबलया पीड़ को हंकने वाले को चकार से, कंसम च कंस को और उसके भाइयों को, निहतम द्रक्ष मैं परसो, स्व का अर्थ होता है कल और पर का अर्थ होता है बाद में, डे आफ्टर टुमोरो, द आफ्टर परस्व स्व के बाद, कल के बाद मैं इन लोगों को मरा हुआ देखूंगा। भगवान ने कहा कि ये कहीं दिन में इतने लोगों को आप मारने की कैसे सोच रहे हैं, कैसे हम करेंगे? तो कहते हैं प्रभो या विभो, आप सर्व समर्थ हैं, एक दिन में क्या, एक सेकेंड में आप सारे विश्व को मार सकते हैं। तो ये 10-20 लोगों को मारना, एक परसों में मार देना क्या दिक्कत की बात है? परस्वे अहनी, अहनी वाला दिन में, परसों दिन मैं देखूंगा सबको मरा हुआ। चारुण मुष्टिक च एव, चकार से अनुक्त समुच्चय, जो लोग मारे जाएंगे परसों और जिनका नाम यहां नहीं दिया गया उसको च से, और एव का अर्थ है निश्चय, निश्चय। अब इसमें संदेह नहीं है, इनका कहने का आशय है कि अब हे नाथ आपको चलना है, ऐसा कीजिए, आपका पैर पकड़ता हूँ, विनय करता हूँ, परसों मैं देखूंगा। यह अभी विज्ञापन चातुरी है श्रील सनातन गोस्वामी पर, यह नहीं कह रहे कि चलिए उन लोगों को मारिए, कहते मैं परसों सबको मरा हुआ देखूंगा। कोई सोच सकता है बाप रे बाप, इतने विरक्त वैष्णव और सबको मारने की योजना बना रहे हैं। लेकिन वास्तव में कहा गया कि नारद जी भगवान के मनो अवतार हैं, तो भगवान अवतार लिए है पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, और नारद जी एक देवता हैं, तो अतः भार दूर तो होना ही चाहिए, संसार का मंगल होना चाहिए। तस्यानुसंख जवन मुराणाम नरकस्य च पारिजातापहरणम इंद्रस्य च पराजयम द्रक्षे इति शेष। इसके बाद मैं देखूंगा शंख का वध, शंख मतलब शंखासुर, पंच जन जो भगवान के गुरु जी के पुत्र को ले गया था, भगवान पढ़ने गए उज्जैन, तो वहां पर गुरु जी ने दक्षिणा मांगा, अपनी पत्नी से परामर्श किए क्या मांगना चाहिए, दोनों लड़के तो बहुत होनहार हैं। जो कृष्ण बलराम ने कहा कि गुरुदेव हम आपकी क्या सेवा करें, क्या दक्षिणा दें, तो गुरु जी अपनी पत्नी से परामर्श करने लगे। पत्नी ने कहा कि अभी ये भगवान हैं, इनसे अपना मरा हुआ बेटा मांग लिया जाए। तो गुरु जी ने कहा कि ऐसा करो कृष्ण बलराम, मेरे मरे हुए पुत्र को ला दो। भगवान ने कहा ठीक ठीक, ये गुरु दक्षिणा दिए भगवान, और समुद्र में शंखासुर ले गया था। तो भगवान जग गए और पंचजन को मार करके वो शंख के रूप में रहता था। तो वहां से फिर लौट गुरु के पुत्र को दे दिए। कुछ लोगों का कहना है कि वहीं से भगवान ने शंख प्राप्त किया था, जिसका नाम है पंचजन, पंचजन के घर से प्राप्त हुआ होगा, जैसे तैसे शंख के रूप में ही रहता था, तो फर्स्ट क्लास का शंख वहां रखा गया होगा दक्षिणा वर्त, तो भगवान उसको धारण करते अपने हाथ में, पंचजन शंख। इसके बाद मैं शंख का वध देखूंगा और यवन का वध देखूंगा, काल यवन और मूर्दय, और नरक का भी वध देखूंगा, भौमासुर का वध, पारिजातापहरणम। और इसके बाद मैं ये देखूंगा कि इंद्र की किस तरह से पराजय हुई। इसका अर्थ है आप पारिजात लाएंगे
इंद्रस्य च पराजयम्। पारिजात हरण करने में इंद्र आपके साथ युद्ध करेंगे और इंद्र बुरी तरह से पराजित होंगे, ये मैं देखूंगा। परसों तो कौन शादी का वह देखूंगा और ये सब लीलाएं मतलब बाद में देखा करूंगा, इसमें डेट नहीं दे रहे तो कोई दिन नहीं बोल रहे हैं। इसके बाद जब जाएंगे द्वारका तो मथुरा जाएंगे तो सब कार्य करेंगे। उद्वाहम वीर कन्या नाम वीर शुल्कादि लक्षणम। और इसके बाद में आपका विवाह देखूंगा और बहुत कन्याओं के साथ आपका विवाह देखूंगा। कैसी कन्या है? वीर कन्या नाम, जैसे वीर भीष्मक आदि वीरों की कन्या है रुक्मिणी आदि, उनके साथ मैं आपका विवाह देखूंगा। विवाह देखने का मतलब जस्ट केवल मंडप में बैठकर पाणी ग्रहण ही नहीं, वीर कन्या नाम कहने का मतलब युद्ध आदि देखूंगा, किस तरह से जरासंध और शिशुपाल आदि को मार पीट करके आप विवाह करें, ये सब मैं देखूंगा। और भी जितने भी विवाह हुए तो बड़े बड़े लोगों को जीत करके हुए प्राय, तो उसको कह रहे मैं देखूंगा। और द्वारका में विवाह करते देखूंगा, उस समय तो ये नारद जी नहीं थे जब विवाह हुआ, क्योंकि भागवत में यह वर्णन है कि नारद जी बाद में आए देखने के लिए, जब उन्होंने सुना कि एक ही मुहूर्त में 16108 भवनों में और 16108 स्त्रियों के साथ और उतने ही माता पिता भी थे भगवान के 16108 घरों में और गुरु जी भी थे सब जगह, एक ही मुहूर्त में जितने भी नाई या तांबूल लगाने वाले जितने थे सब हो गए थे। तब नारद जी को बड़ी जिज्ञासा हुई, अच्छा ठीक है मैं ये तो नहीं देख पाया, लेकिन 16000 स्त्रियों के साथ भगवान कैसे रहते हैं जरा इसको चल करके देख। तो देखने गए थे उनका दर्शन, किस तरह भगवान अपनी पत्नियों के साथ रह रहे हैं नारद जी देखे हैं, एक अध्याय में इसका वर्णन किया है श्री सुखदेव गोस्वामी। तो नारद जी कहते हैं मैं देखूंगा। अनृगस्य मोक्षम पापा द्वारकायम जगतपते। इसके बाद मैं देखूंगा महाराज नृग का ब्राह्मण के साप से मोक्ष, द्वारका के निकट देखूंगा। द्वारकायम कहना है इसका अर्थ है कि जैसे ब्रज से आप जा रहे हैं तो एक दिन आप मथुरा से भी जाएंगे, द्वारका जाएंगे कहने का अर्थ है, इसलिए द्वारकायम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। द्वारकायम पहले से ही संबंध बन रहा है, पारिजाता हरणम आदि सब द्वारका से ही तात्पर्य, अथवा नृग महाराज का जो उद्धार हुआ था वो खास द्वारका क्षेत्र में हुआ था, क्योंकि द्वारका के कुछ लड़के उस कुआं के पास गए थे और देखे अद्भुत क्रिकलास ग्रिगिट, तो उसको निकालना चाहते थे, लड़के सब परम सुशील थे उदार, लेकिन वो निकल नहीं रहा। जो लोग जा करके बहुत कौतूहल से कहे भगवान से, अरे एक अद्भुत गिरगिट फंसा हुआ है कुएं में, निकल नहीं रहा है, तो भगवान चले तो और सब ज्यादा लोग चले, उद्धव आदि भगवान जा करके वहाँ जुटे कुएं पर, बहुत बड़ी भीड़ लग गई। भगवान ऐसे अपना हाथ बढ़ाए, यही हाथ लंबा हो गया, ऐसे हाथ बढ़ा करके और उसको छू दिए, नृग महाराज को छू दे, परम दिव्य देवता के रूप में हो गए, देवता के रूप में हो गए तो और आश्चर्य हो गया। द्वारका वासी सब वहां बैठे, भगवान ने पूछा अरे आपका क्या इतिहास है, आप तो इस दुर्गति में पड़े हुए थे लेकिन आप तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आप कौन हैं और किस कारण से आपकी ये दुर्गति हुई। द्वारका वासियों को ये सावधान करने के लिए कि ब्राह्मण का धन नहीं खाना चाहिए, भगवान ने वहां नृग महाराज के मुख से कुछ कहलवाया। नृग महाराज कहे कि हे नाथ, मैं महाराज मानधाता इच्छाकु के वंश, महाराज मानधाता के वंश में उत्पन्न हुआ, और जब नृग तो ये सर्गयाति, ये तो मनु महाराज के पुत्र है ना, नृग वो कहते हैं कि दानियों का नाम जब आपके कान में पड़ा होगा, संसार में सबसे टॉप क्लास के दानी, तो उसमें मेरा नाम भी जरूर आया होगा। भगवान ने कहा हाँ, और ये आप नृग महाराज हैं, तो सब द्वारकावासी चकित हो गए, नृग महाराज हैं, नृग महाराज।
तो बहुत दान दिए थे। अनेक महाराज कहते हैं कि जितने आकाश में तारे हैं उस तरह से मैं गौओं को दान किया था। सब दुधारू गाय, सब सुधी गाय, और उनके खुर में चांदी लगाए गए थे, उनके सिंह में सोने लगाए गए थे, सब बहुत दान दिया। इस तरह से दान दिया था। लेकिन एक बार मैं एक ब्राह्मण को दान दिया, उस ब्राह्मण के यहाँ से वो गाय भाग करके आ करके और हमारे झुंड में मिल गई, उन गायों में जिनको अभी दान देना। तो मैं क्या पहचानता हूँ, वो गाय मैं दे दिया फिर दूसरे ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मण लौटा जिसकी गाय भाग करके आ गई थी, वो देखा कि वो ब्राह्मण उसी गाय को ले जा रहा है दूसरा ब्राह्मण, तो वो दोनों लड़ने लगे। वो लगा कहने कि मृग महाराज ने हमको ये गाय दिया, तो दूसरी बार जिसको मिली थी वो कहेगा तो हमको दिया, नहीं मेरी गाय है। तो कहता नहीं मेरी गाय है, हमको उन्होंने दिया है। तो कहता था हमको उन्होंने दिया, पहले हमको दिया, पहले दिया होता है कुछ, अभी अभी तो हमको दिया। तो दोनों झगड़े करते करते आ गए मृग महाराज के पास। ये बताओ किसको तुमने गाय दिया, हमको दिया था कि नहीं, हमको दिया था कि नहीं। तो मृग महाराज तो समझ गए कि ये कहीं गाय दो बार दान कर दिया। अब इधर तो तीर्थों में जाइए या कहीं, तो ये कहीं गाय का पूछ पकड़ करके रोज 10 आदमी को दान हो रहा है, और वो भी दान की रकम 1.25 रुपए से लेकर के अब जितना जथा शक्ति जथा इच्छा चलता रहा। तो नृग महाराज के सामने समस्या आ गई। हाथ जोड़ करके नृग महाराज पहले ब्राह्मण से कहे कि इस गौ के बदले आप जितनी गौ चाहे मैं दे दूंगा, इसको छोड़ दीजिए, नहीं मैं वही लूंगा। दूसरे ब्राह्मण से कहे कि आप छोड़ दीजिए तब दे दीजिए, इस गाय के बदले मैं और बहुत हजारों गाय आपको दे दूंगा, तो नहीं यही मैं यही लूंगा। ब्राह्मण भी कभी कभी बहुत जिद्दी होते हैं, क्या हर सा गाय ले ले। वो लोग लड़ने लगे दोनों, नहीं हम हमको दिया है हम लेंगे, हमको दिया है हम लेंगे। अंत में दोनों रंज होकर के गाय छोड़कर चले, जाओ हम नहीं लेंगे, जाओ हम नहीं लेंगे। इस तरह से दानी बना, लेकिन गाय दो बार दान कर रहा, चाहे उनकी क्या गलती थी अनजान में ऐसा हुआ। इसके बाद जब महाराज मृग का शरीर छोटा वे गिरगिट हो गए, इसी कारण इतनी छोटी सी गलती थी। और तो महापुण्यात्मा थे, भगवान के भक्त थे, तो दासस्य केश हो, मैंने कहा है कि मैं आपका दास था भक्त हूँ, इसीलिए गिरगिट बनने के बाद भी मेरी स्मृति नहीं गई आपके विषय में। अरे बच्चे मुझे निकालना चाहते थे, मैं जानबूझकर नहीं निकल रहा था, मैं आपके हस्त कमल का स्पर्श चाहता था, आप कृपा करके हमको छुए। तो उसी को नारद जी कह रहे हैं कि मैं मृग का मोक्षण देखूंगा सांप से, और हे जगत पते आप जगत का पालन करेंगे सभी जीवों का। श्यमंत कस्य च मणे राधानम सहभार्जया, और मैं यह भी देखूंगा कि किस तरह से श्यमंतक मणि आपके पास आ गया, और आया तो वधू भार्या के साथ आया, भार्या के साथ आया, दो विवाह तो श्यमंतक मणि कराया भगवान का, एक सत्यभामा के साथ और जाम्बुवती के साथ। तो संक्षेप में घटना में कह देना चाहता हूँ कि सत्राजीत को जब भगवान सूर्य ने मणि दिया तो लगा करके द्वारका में आ रहा था, तो द्वारका में कुछ लोगों ने कहा भगवान से कि सूर्य आ रहे हैं आपका दर्शन करने, मणि इतना चमक रहा है। तो भगवान कहे नहीं नहीं नहीं, वो सत्राजीत आ रहा है। तो वह मणि प्रतिदिन आज के हिसाब से 85 किलो सोना उगलता था, जहाँ उसकी पूजा होती थी रहता था, तो चारों तरफ 85 किलो सोना उगल देता था, और अविकृत मणि रहता था, उसमें कोई कमी न भार में न साइज में कोई कमी नहीं है। तो भगवान ने सत्राजीत को कहा एक दिन, कैसा कीजिए सत्राजीत जी, इसको राजकोष में दे दीजिए, और जो इसका सोना होगा वो ले लेकर के आपको दिया जाएगा, और आप इससे जो भी काम करना हो कीजिएगा, नहीं तो ये इतना जोखिम रखना ठीक नहीं, कोई ना कोई मार करके मणि ले लेगा। नहीं, भगवान ने कहा सौहार्द से आप उग्रसेन जी को दे दीजिए राजा के यहाँ, तो वहां से तो कोई चोरी करेगा नहीं और हत्या करेगा।
जैसे डर है, जोखिम की चीज क्यों रखेंगे? वो भगवत आज्ञा का तिरस्कार किया, कह रहे चलिए नहीं दिया। भगवान अपने लिए नहीं मांग रहे थे, मणि की सुरक्षा के लिए और सतरा जी की जान की रक्षा के लिए, तो नहीं दिया रखने लगा। तो एक दिन उसका भाई प्रसेन जी मणि को गर्दन में लगा करके और वन में गया मृगया के लिए। मणि बहुत चमक रहा था तो उसको एक सिंह ने देखा, और सिंह आया प्रसेन जी को भी मार दिया और घोड़ा को भी मार दिया और मणि लेकर के घूमने लगा। सिंह उसकी चमक से प्रभावित हो गया, तो उस मणि को जब जमवान जी ने देखा तो वे सिंह को मार करके छीन लिए। वो तो सिंह से कितना बलवान व्यक्ति थे, और ले गए अपने बिल में। बहुत गुफा थी भयावह, तो उसमें गए, वहां उनकी एक पुत्री रहती थी, तो उसको ले जाकर के खेलने के लिए दे दिए। तो बच्ची नहीं थी अभी, उसको दे दिए कि ये रखे। तो इधर द्वारका में लोगों ने हल्ला करना चालू किया कि वो प्रसेन भी मारा गया, लौटा नहीं, और मणि भी गायब, कौन ऐसा काम कर सकता है, कौन ऐसा कर सकता है। मतलब ये हुआ कि प्रसेन जी का अपहरण हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा था कि कहाँ चला गया। तो जंगल में सिंह उसको मारा था, तो सब लोग करड़े करड़े जपन जना द्वारका में, सब लोग कान 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 में कहने लगे, प्रकट नहीं कहते थे, अरे भैया जो जीवन में आदत पड़ जाती है नहीं छूटती, देखो बचपन में माखन चुराता था, अब आज तो मणि चुराना चालू किया। केवल इसी बात से लोगों ने कहना चालू किया कि भगवान ने कह दिया था कि जोखिम की चीज मत रखिए, दे दीजिए उग्रसेन जी को राजकोष में, बस यही कारण था। और भगवान कहे को मारने जाए या प्रसेन को और मणि लेने जाए, लेकिन सब लोग यही कहने लगे। और यहाँ तक कि बलराम जी को भी विश्वास हो गया, ये भगवान की लीला थी। बलराम जी भी सोचने लगे कि हो सकता है भाई, इसकी आदत तो है चोरी की, गोपियों का कपड़ा चुरा लेता था तो माखन चुराता था, तो हो सकता है खेल में पड़ गया, ये विवाह हो ही गया है, एक स्त्री रुक्मणी आ गई है, तो अब उसको देने के लिए अपनी प्रिया को श्रृंगार आदि के लिए, हो सकता है इसके मन में हो गया। तो जब लोग लगे कहने भगवान, तो सुन करके दंग हो गए, अरे बाप रे बाप, इतना कलंक। तो वे निकले अब खोज करने के लिए, पता लगाने के लिए, जिस पर लांछन लगाया जाता है तो वो खोज करेगा ही। वो गए, किस दिन निकला था, किस दिशा में निकला था, प्रसन्नजीत कहाँ गया था, तो जाते जाते घोड़े के खुर का पता लगाते लगाते गए जंगल में, तो देखे एक जगह घोड़ा मरा हुआ है और प्रसेन की लाश भी बरामद हुई, वो भी पकड़ा मरा था। तो साफ सिंह के द्वारा मारने का काटने का निशान था, इसलिए सरकारी रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ी, ये निश्चित हो गया कि सिंह ने मारा है। तब अब सिंह का पता लगाने लगे, उसके पंजे कहाँ गए हैं, तो उधर जाते जाते आगे मिला कि एक भालू इसको मारा है, सिंह को, सिंह की लाश मिली, भालू का पंजा, जो रिक्ष का जमवान जी रिक्ष है उसका पंजा मिला, तब फिर उसका पीछा भगवान किए, तो एक भयानक गुफा में बिल में वो प्रवेश किया। तो भगवान ने द्वारका वासियों को कहा कि आप लोग भीतर मत जाइए, मैं अकेले जाता हूँ। सब लोग मना कर रहे थे, नहीं नहीं भयावह रिक्ष का बिल है, इसमें आप क्यों जाएंगे, वो बकोट देगा, काट देगा सब बकोट देगा सब, दे लोग का शब्द है, मतलब भालू ऐसे काटता है अपने नखों से, मना कर रहे थे, नहीं भगवान घुस गए। और 28 दिन उसमें रहे। तो भगवान जब गए तो कुछ बच्चे खेल रहे थे, वे चिल्लाए ये कौन आया कौन आया, अनजान जगह था और वे लोग भगवान के सौंदर्य पर लुब्ध नहीं हुए, डर गए कि कहाँ से तेजस्वी व्यक्ति आया, ये आया। हालांकि तब तक जमवान जी दौड़ करके आए, दौड़ करके आए और पूछे भी नहीं कि आप कौन है क्या है, सीधे लड़ाई चालू कर, भागो भागो भागो, मारने मारपीट होने लगी, लेकिन ये कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं भगवान।
अब वो भगवान को काटने के लिए दौड़ते थे, मुष्टिका मारते थे, तो भगवान मारते थे तो उनकी तो नस ढीली होने लगी। बाद में पत्थर से लड़ रहे थे, लेकिन भगवान सब कुछ खत्म कर दिए। अंत में जम्बवान को ये ध्यान आया कि भगवान विष्णु के अलावा किसी में ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे परास्त कर सके। तब पूछे आप कौन है, तब भगवान ने अपना परिचय दिया। तब भगवान का स्वागत किया और उनकी जो परम सुंदरी पुत्री थी उसको उन्होंने अर्पण किया भगवान को। पहले से ही निश्चित था भगवान को अर्पण करना है, और दहेज में वो मणि दिए। मणि लेकर भगवान आए, अपनी पत्नी को लेकर आए, तो मणि तो लेकर के आए तो सीधे सत्राजित को दे दिए सभा करके कि ये इतिहास है, तुम्हारा भाई ऐसे मारा गया और मैं जम्बवान को हरा करके आया और अभी छीन करके नहीं आया, उन्होंने मुझे दिया लेकिन मैं नहीं रखूंगा, अभी मेरा दहेज है लेकिन ये सब काम नहीं करूंगा, दे दिया उन्होंने। सत्राजित ले लिया, लेकिन बाद में बेचारा बड़ा खीन रहता था कि एक तो मैं भगवान पर दोषारोप किया और ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया भगवान से संबंध बनाने के लिए। अच्छा, और वो मणि दहेज में दे दिया, दो बार दहेज में मिला, दो स्त्री के साथ। उसी को नारद जी कह रहे हैं, मैं देखूंगा समंतक मणि का आदान और सह भार जया और मृत पुत्र प्रदानम से ब्राह्मण से सुधा मत, और ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र को आप लाएंगे अपने धाम से महाकाल के नगर से, अर्जुन के साथ भगवान जाएंगे ये कथा है, तो वहां से लाएंगे। भगवान के धाम से कोई पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन भगवान वहां जाकर के उसको लाएंगे। पौंड्रकस्य वधम पश्चात, इसके बाद मैं पौंड्रक का वध देखूंगा, उसके बाद काशीपुरी का दहन देखूंगा, काशीपुरी को आप जलाएंगे, दंतवस्त्र का निधन देखूंगा और चैदस्य च महाप्रदौ, और महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध देखूंगा। सब द्रक्षे वहां से लगाया जाएगा, मुझे मेरी देखने की इच्छा है। यानी चान्या भी जानी द्वारकायाम वसन भगवान करता द्रक्षा में हम तनि गे यानी कभी भी हुई, और भी द्वारका में रह करके आप साल का वध करेंगे और सुदामा जी का स्वागत करेंगे सभी पत्नियों के साथ, आप विहार करेंगे, सुधर्मा सभा में विराजेंगे, जितनी भी आप लीलाएं करेंगे मैं सबको देखूंगा, ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े कवि वेदव्यास देव आदि उसका गान करेंगे आपकी लीलाओं का, मैं सब देखूंगा, और अंतिम लीला मैं आपकी देखूंगा, आप काल स्वरूप हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन का सारथी बनकर आप राजाओं का वध कराएंगे, क्षत्रियों का वध कराएंगे, यह मैं देखूंगा। जब ये बात कह रहे थे तो भगवान मानो मुस्कुरा करके अनुमोदन किए, आज बात करने पर चेहरा से पता चला कि स्वीकार कर रहे हैं। जब स्वीकार किए, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि कृताभिनंदनम तम पुनः स्तौति, अब अभिनंदन किया भगवान ने तो फिर स्तुति कर रहे हैं। विशुद्ध विज्ञान घनं स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थ ममोघ वांछितम् स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंतमी मही। प्रणाम कर रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं, आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं, चिद घन हैं, आप पूर्ण चिन्मय हैं और आप अपनी सम्यक स्थिति में हैं, अपने लाभ से ही आपके सारे मनोरथ पूर्ण हैं, अमोघ वांछितम आप सत्य संकल्प हैं, जो चाहते हैं होता है, और अपने तेज से अपनी स्वरूप शक्ति से माया के कार्य से आप सदा परे हैं, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ। त्वाम ईश्वरम स्वाश्रयमात्म माया विनिर्मिता से विशेष कल्पना, आप स्वाश्रय हैं, आत्माश्रय हैं और अपनी माया से संपूर्ण विश्व का निर्माण करते हैं, और क्रीड़ा के लिए इस समय आप मनुष्य का रूप प्रकट किए हैं अपना। नतोस्मि धुर्जन जदु विष्णु सात्वता, हे जादवों में सात्वतों में सर्वश्रेष्ठ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, इस समय आप जदुवंश शिरोमणि बने हैं, अतः जादवों की रक्षा अवश्य कीजिए। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं,
श्री शुक उवाच एवं जदुपतिं कृष्णं भागवत प्रवरो मुनिः प्रणिपत्याभ्यनुज्ञातो यजौ तद्दर्शनोत्सव। जब नारद जी ने कहा कि मैं कंस का वध आदि देखूंगा तो इसे निश्चित समझ लेना चाहिए कि अब पूरा मथुरा के ही आसपास चक्कर लगा रहे हैं, और सत्य लोग नहीं गए, भगवान की सब लीला अलक्षित रूप से देखते रहते। तो इस प्रकार जदुपति भगवान कृष्ण से भागवत प्रवर समस्त आचार्यों में सबसे मूल भक्ति के परम आचार्य नारद जी इस तरह कहे और भगवान को प्रणिपत्य प्रणाम किए और उनसे आज्ञा लिए, आज्ञा लेकर जयो तद दर्शन उत्सव, भगवान के दर्शन के आनंद में मग्न। नारद जी के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव क्या है, आनंद क्या है? तद दर्शन, भगवान का दर्शन। नारद जी अपने साथ कोई चीज लेकर के नहीं घूमते हैं, और ऐसा नहीं सोचते ये चीज रहेगा तब हम सुख में रहेंगे। भगवान का दर्शन, भगवान से भेंट होना ही उनके जीवन का सर्वोपरि आनंद है। ये बहुत आनंद में थे ब्रज में भगवान का दर्शन करके और चले गए। नारद जी का स्वभाव है जब वो चलते हैं तब भी भगवान का गुण गाते हुए चल देते हैं वहीं से। नारद मुनि बजाय बीड़ा राधिका रमण नाम सदा। आज भी हम लोग देखते हैं कहीं भी अगर नारद जी का कोई अभिनय करता है तो बस कहीं से चल रहा हो या आ रहा हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ये प्रायः देखा जाता है। तो भगवान के नामों को गाते रहते हैं, विविध नामों को गाते रहते हैं, केवल नारायण नारायण नहीं करते हैं, विविध नामों को गाते रहते। जैसे यह कृष्ण कृष्ण गाया। अच्छा, नारद जी तो चले गए। भगवान अपि गोविंदो हत्वा केशिन महवे पशुन पालयत पालय प्रीतर ब्रज सुखावह। अब देखिए भगवान गोविंद, चूंकि केसी तीर्थ में भगवान गोविंद विराजते हैं, अतः ये मिलान है। केसी दैत्य का वध करने के बाद और नारद जी की स्तुति सुन करके भगवान गोविंद पशुन अपालयत पशुओं का पालन करने लगे। पालन करने का मतलब उनको घुमा घुमा कर चराने लगे। जब केसी आया था तो ये सारे पशु भाग गए थे डर करके इधर से, कोई खाए नहीं थे, सब कांप रहे थे थर 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 पशु। और जब वध कर दिया भगवान ने तो उसके बाद भी कुछ देर हुई, नारद जी आ गए तो पशु सब घेरे हुए थे भगवान को, आस पास चर नहीं रहे थे, तो भगवान जा करके चराना चालू किए। निर्भय चरने लगे, पशु अपालय पालय पालों के साथ पशु पालन करने लगे। पाल मतलब तो गोपाल, पाल का अर्थ रक्षक, जो पालयती थी पाल, जो पालन करता है वो है, या पाती थी पाल, जो रक्षा करे। तो रक्षकों के साथ पशुओं का पालन करने वालों के साथ भगवान पशुओं का पालन करने लगे। तो उन पालों के विषय में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रीत है, सब बहुत प्रसन्न थे। केसी का वध हो गया था तो इससे बहुत प्रसन्न थे, प्रीत है। और भगवान ब्रज सुखावह, ब्रजवासियों को सुख देते हैं भगवान, तो वे उनके साथ पशुओं का पालन करने लगे। तो एक अजीब बात है कि यहाँ पर जब कथा कर रहे सुखदेव गोस्वामी तो एकदा शब्द लगा रहे हैं। एकदा शब्द एक संशय खड़ा कर रहा है कि यह लीला कब की है, ब्रह्मासुर के वध की, कुछ कहा नहीं जा सकता। गोपियां अपने गोपी गीत में कहती हैं वृषमयात्मजात, मय के आत्मज से भी हमारी अपने रक्षा किया। तो कोई कोई आचार्य कहते हैं कि यह बहुत पहले लीला हो चुकी है, और कुछ का कहना है कि नहीं इसी समय हुई है। जो भी हो, तो एक दिन भगवान पशुओं का पालन कर रहे थे गोप सखाओं के साथ अद्री शाम से पर्वत के शिखर पर, पर्वत की घाटियों में। अब यह पर्वत गोवर्धन पर्वत ही हो सकता है, यहाँ से हरण कर कर के ले जा रहा था काम बन के तरफ, ब्रह्मासुर गुफा है उधर ले जा रहा था ब्रह्मासुर। कुछ आचार्यों का कहना है, कुछ का कहना है कि नहीं उधर की पहाड़ियों में ही ये लीला हो रही थी। तो निश्चित है कि अगर उस दिन की लीला होगी
तो यहाँ से तुरंत वहाँ चले जाना ये असंगत लगता है। केसी घाट से उधर काम वन के पास पहुंच जाना है तो असंगत बात लगती है। इसलिए एकदा शब्द से तात्पर्य कोई निश्चित समय नहीं पता चल रहा है। एक समय भगवान पशुओं को चरा रहे थे सब पालों के साथ, एकदा ते पाला, ये सब पाल गण पशुओं को चरा रहे थे चार यम पर, कहां अद्री सामसी पर्वत की घाटियों में शिखर पर, तो चक्रु नीलायन क्रीड़ा छोड़ पाला प्रदेश पर, ये लोग गाय चरा रहे थे लेकिन खेलते रहते थे। भगवान गोचारण में विशेषता है कि गवें तो चरती रहती थी, लोग खेलते रहते थे, तो गोचारण करते करते कभी गवें बैठती थी या चलती थी तो ये लोग खेल करने लगे, नीलायन क्रीड़ा कर रहे थे। नीलायन क्रीड़ा का अर्थ है किसी को कहीं छिपा देना चुरा करके और स्वयं भी छिप जाना, तो दूसरे पाल लोग रक्षक लोग खोजते थे, इसको नीलायन क्रीड़ा कहते हैं, या आंख मिचौनी भी करना है, छिप जाना, छिप जाते थे चोर बन करके छिप जाते थे और किसी का हरण करके छिप जाते थे, तो तीन तीन काम करते थे बच्चे सब। कुछ तो चोर बनते थे, तत्रासन कच्चित चोरा पालश्च कच्चिन नृप, हे महाराज परीक्षित हो सकता है आप भी बचपन में खेले होंगे खेल नृप शब्द संबोधित कर पाते, अथवा जैसे राजा लोग चोरों को पकड़ते हैं तो इस तरह से बच्चे खेल कर रहे थे, उनमें से कुछ चोर बन जाते थे और कुछ पाल रक्षक, और बचे हुए जो जो छोटे शरीर के थे बच्चे वे सब भेड़ बन गए थे, मेषा इत्यादि। भेड़ मेष बनने का अर्थ है कि वे ऐसे आंख बंद करके जमीन पर लौट जाते थे और उनको दूसरे चोर उठाकर ले जाते, भेड़ की चोरी होती है हम लोगों को भी पता है। तो ये बन जाते थे, उस समय भी लोग भेड़ों को चुराया करते थे, तभी तो बच्चे खेल कर रहे हैं। तो कुछ है, चोर बनते थे और कुछ पाल बनते थे जो भेड़ों को खोजेंगे रक्षा करेंगे, और कुछ भेड़ बन जाते थे बने हुए थे, तो इस तरह से खेल कर रहे थे। ये नहीं समझना चाहिए कि एक बार जो चोर बना वो हमेशा चोर ही रहा, ऐसा नहीं है, बीच बीच में बदलते रहते थे, कोई दूसरे चोर बनते थे तो पाल दूसरे बनते थे, फिर मेष दूसरे बनते थे। मेष का हरण करने में सुगमता होती है, मेष भेड़ एक ऐसा जानवर है कि गर्दन भी काटिए तो मैंने नहीं करेगा, दूसरे जानवर चिल्लाते हैं लेकिन उसको तो आसानी से कोई टांग करके ले जाएगा। जब किसी आदमी के सीधापन का वर्णन किया जाता है तो कहा जाता है अरे वो तो बिल्कुल भेड़ है, कुछ भी नहीं चिल्लाता है बोलता है, और ऊपर से ट्रेनिंग भी दिया गया था जब आपस में संधि कर रहे थे सब मिलान कर रहे थे कौन क्या बनेगा, तो छोटे छोटे बच्चे जो भेड़ बन रहे थे उनको शिक्षा दी जा रही थी कि कोई टांग करके ले जाए तो बोलना नहीं है, क्रोशन नहीं करना है कि हाय 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 कहाँ ले जा रहा है। इसीलिए तो देवासुर को इनको उठा कर ले जाने में सुगमता पड़ी, नहीं तो एक को टांग करके ले गया होता तो हाय बाप हे कृष्ण चिल्लाया होता ना, लेकिन तो ट्रेनिंग थी कि नहीं बोलना है, खेल चल रहा था। अगर कोई बच्चा भेड़ के रूप में है और बोलता है तो खोजने वाला तुरंत खोज लेता है कि इधर से आवाज आ रही है, खोजने में कुछ परेशानी होनी चाहिए और इस तरह से बाद में मिले, यह एक खेल था आनंद था इसमें। तत्र सन कच्चित चोरा पालश्च कच्चित नृप मेषा इताश्च तत्रैके विजरुरकुतो भया, ये बच्चों को कोई भय नहीं था जंगल में। एक तो अभी अभी जो मारा गया था ये कौन मारा गया केसी अथवा श्री कृष्ण साथ में थे इसलिए किसी का भय नहीं था, कुछ भी भय नहीं था, बच्चों को भय नहीं था, किसी भी असुर आदि की आशंका नहीं थी, इसलिए भी माया का पुत्र व्योमासुर उसमें प्रवेश कर गया गोप देश में आसानी से। बच्चे अगर पहले से थोड़ा चिंतित होते कि कोई खतरा हो सकता है तो मिलाते कि ये नया गोप कहाँ से आया,
इस तरह से खेल रहे थे, कभी भेड़ को उठा करके कुछ ले जा रहे थे, छिप जा रहे थे, दूसरे लोग खोजते थे इधर उधर, फिर चोर को पकड़ते थे, भेड़ लौटाते थे, चोर को दंडित करते थे, झूठ मूठ के ऐसे थप्पड़ मारना या ये करना, और फिर दूसरे चोर बनते थे, फिर दूसरे भेड़ बनते थे। इस तरह से बदलता खेल चल रहा था। उसी समय क्या हुआ, मय पुत्र महामायो व्योमो गोपाल वेश, मय दानव का पुत्र जिसका नाम था व्योम, व्योम का एक अर्थ आकाश भी होता है, तो मय दानव का पुत्र था इसीलिए महामायावी था। बाप जब महामायावी है तो बेटा कैसे कम रहेगा, कपट से वेश धारण करने वाला ये भी, तो वह गोपाल वेश भृक, जैसे बच्चों का वेश था, गाय पालन करने वाले का जो वेश होता है, जैसे पगड़ी बांधना, कछनी, धोती, दुपट्टा आदि धारण करना, इस तरह से हाथ में डंडा लेना, आ गया गोप वेश धारण करना। और जब एक बांटा जा रहा था अंतिम खेल में, कौन चोर रहेगा, कौन पाल रक्षक और कौन मेष, तो यह प्रायः चोर बनता था। हरीश्वर जी कहते हैं कि कुछ भी हो तो खेल में भी जो बदमाश आदमी रहता है वो खेल में भी चोर बन रहा है, कभी भी ये पाल नहीं बना, चोर बन रहा है, राक्षस का दैत्य था इसलिए चोर ही बना, प्रायः चोर आई तो, प्रायः चोर आई तो पशु, प्रायः ये चोर ही बनता था, इसका एक अर्थ चोर ही बनता, कई बार बना, एक दो बार पाल बन गया था केवल विश्वास देने के लिए। और जब चोर बनता था तो मेष बने हुए बच्चों को उठा करके ले जाता था, और वे क्या जानते थे, वो तो जानते नहीं थे कि ये राक्षस है, वो जानते थे कि हमारे गांव का ही कोई गोप है, तो भेड़ के रूप में पीठ पर टांग करके ले जाता था, तो वे कुछ बोलते भी नहीं थे क्योंकि भेड़ बने हुए हैं, तो क्या बोल, इतना चुप हो गए तो भेड़ की नकल भी करते, मैं करते तब भी कुछ पता चलता है, ऐसा खेल बचा हुआ था। तो उनको उठा उठा करके ले जाता था, और एक प्रसिद्ध गुफा है व्योमासुर गुफा, आप लोगों ने देखा हो, वो बहुत भयावह भीतर, उसमें ले जाता था एक साथ कई लोगों को टांग कर ले जाता था, पहले एक को ले गया, दो को ले गया, और जो सफल हो गया तो तीन चार को साथ में टांग कर ले जाता। अब तो जो भेड़ ही उठा कर ले जाना है ले जा ले जा करके गुफा में दूर से और अंधकार में ऐसे फेंकता, क्योंकि अंततः इसको तो मारना था बच्चों को, तो कहां पत्थर लगेगा, सिर फूटेगा, हाथ टूटेगा, इसका उसको दुष्ट को कोई ध्यान नहीं, अंधकार में ले जा करके फेंक देता था। और सोचता था कि भीतर से निकल कर भाग नहीं पाएंगे, तो गुफा के मुख पर बहुत बड़ा पिधान पेहान चढ़ा देता, बहुत बड़ा ढक्कन पत्थर का, बहुत बड़ा चट्टान लाकर रख देता, इसको थोड़े हटा पाएंगे, और ऐसे ही अधमरा हो जाएगा, फेंकने से बाद में जाऊंगा सबको मार दूंगा, इसलिए कि सब कृष्ण के साथी हैं और कृष्ण इतने हमारे लोगों को मारा है, इसलिए वो बदला लेना चाहता। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मेषाइता नपो वाह प्राय चुराय तो पशु चुराय तो बहुत बहुत गोपों को चुराया, किनको, मेषाइतान, मेषाइतान का अर्थ भेड़ाइतान, भेड़ बने हुए थे उनको, उसको चुराने में बिल्कुल सुगमता, और बच्चे छोटे छोटे शरीर वाले थे, हल्के हल्के भेड़ टांग टांग करके सब ले जा रहा है, तो प्राय बहुत चुरा लिया। गिरी दर्जन विनिक्षिप्य नितम नितम महासुर, महाअसुर था, लाल आकर के गिरी दर्जन गिरी के गुफा में फेंकता था, विनिक्षिप्य, विनिक्षिप्य का थे विशेषण नितरण फेंकता, ऐसा नहीं कि ले जाकर के चुपचाप बैठा रहे, पर भगवान की कृपा से बच्चों को कोई घाव नहीं लगा, कोई पत्थर का कुछ भी, और अंधकार में जब फेंका तब लोग हाय 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 कर रहे थे, रो रहे थे, लेकिन बाहर आवाज कहाँ आ रही,
इतना पेहान चढ़ाया था टाइट कोई आवाज बाहर नहीं आ रही, और आती भी तो भगवान तो बहुत दूर थे। फेंकने के बाद तब उनको पता चलता होगा कि ये कोई गोप नहीं है, राक्षस है। अथवा जाते समय भी रास्ते में पता चल गया होगा, लेकिन अब वो करे क्या। तो इस तरह से भेड़ों को फेंक रहा था, बच्चों को फेंकता जाता, और वे लोग बहुत चिल्ला रहे थे, लेकिन अब क्या करें, रो रहे थे बच्चे। घाव नहीं लगता था, केवल भय होता था उस अंधकार में कि हाय रे बाप, हम कहाँ आ गए, कौन फेंका, क्या किया। एक बार हमको याद आ गई थी, बच्चे जब रो रहे थे गुफा में, इसकी याद आई थी। एक बार मैं क्लास दे रहा था शाम को क्वींस में, न्यूयॉर्क में, भट्टावतार जी के एक भाई हैं उनके यहाँ, तो बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। मैं कथा कह रहा था तो बच्चे छोटे छोटे बहुत डिस्टर्ब कर रहे। तो मैं कहा कि ऐसा कीजिए, 8-10 बच्चे थे, इनको एक रूम में बंद कर दीजिए। अगर बंद कर दीजिए, मैं कथा नहीं कह पाऊंगा, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो लोग मेरी बात मान लिए, और बच्चों को पकड़ करके अंदर किए, तो इतना जोर से समवेत रोने की आवाज चालू हुई। तो हमने कहा कि निकाले निकाले, नहीं तो पुलिस आ जाएगी, क्या हो रहा है, जल्दी निकाले जल्दी। तब जाकर के फिर शांत हुए, लेकिन निकलने के बाद एक बच्चा भी अब बात नहीं कर रहा। पूरी कथा कोई नहीं बोला, कोई कोई सिसक रहा था, रो रहा था, लेकिन शांत एकदम। उस समय मुझे वो याद आए थे इस घटना की, गमासु बंद किया था। तो बच्चे रो रहे थे, बाहर सुनाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि द्वार पर शिला पीदर थे, मैंने पहन चढ़ा दिया। तस्य तत् कर्म विज्ञा कृष्ण शरणदः सतां गोपां नयन्तं जग्राह वृक्षं हरिरिव। भगवान तो पहले से ही जान रहे थे, जब प्रथम भेड़ को ले गया होगा उसी समय भगवान जान गए थे। जब आया तब एक प्रश्न होता है, सनातन गोस्वामी पाद जी प्रश्न करते हैं, तो भगवान क्यों स्वीकार कर लिए उसके साथ खेलना, जब जानते थे कि ये राक्षस है। स्वयं उत्तर देते हैं, भगवान क्या करे, भगवान ने देखा कि गोप का वेश बना करके आया है, तो भगवान वेश का भी बहुत आदर करते हैं। गोप का वेश बनाया हुआ व्यक्ति है तो, अरे वो तो है राक्षस, बदमाश है, लेकिन गोप गाय का पालन करने वाले का बहुत अच्छे व्यक्ति का वेश बनाया है, तो भगवान ने थोड़े काल के क्षमा किया कि चलो। तो इस तरह से वैष्णव वेश जो है इसका आदर भगवान करते हैं, और इसीलिए सबका कर्तव्य है कि वैष्णव वेश में किसी को देखे तो आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने हाथ में मीटर रखा है, कौन कैसा है, किस डिग्री का है, हमेशा देखा करे, ये सब देखने का अधिकार नहीं है व्यक्ति को। जीवे सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान, तो जीव मात्र को सम्मान देना चाहिए कि सबके भीतर कृष्ण है, और उस पर भी यदि वैष्णव है तो उसका तो विशेष आदर करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं ना कि जिसके जिह्वा पर कृष्ण नाम हो तो मनसा ब्रिय, तो मन से उसका आदर करना चाहिए, कोई पुण्यात्मा है तभी इसके जिह्वा पर श्री नाम आ रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। तो भगवान केवल सुंदर वेश धारण करने के कारण उसको स्वीकार किया, और पूतना गोपी का वेश धारण करके गई थी, माँ का वेश धारण करके गई थी, तो भगवान ने केवल वेश धारण करने से पूतना को स्वीकार कर लिया, माँ बनाई। भगवान के एक अद्भुत स्वभाव है, इसीलिए वैष्णव वेश का बहुत आदर करना चाहिए। किसी किसी के ललाट में ऊर्ध्वपुंड तिलक हो, देख करके प्रणाम करना चाहिए, और गले में कंठी है, शंख चक्र आदि का चिन्ह है, ये कंठ लग्न तुलसी नलिला क्षमाला, जो कंठ में तुलसी है,
या नलिन अक्षमाला है और शंख आदि का चिन्ह है चललाट पर या वक्षस्थल पर कहीं भी, तो यह भी एक बहुत आनंद की बात है कि यह व्यक्ति भले ही मान लीजिए स्वभाव बस कुछ गलत काम उससे हो जाता है, लेकिन वह यह जानता है कि यह चिन्ह बहुत अच्छा है, ये भगवान के प्रिय का चिन्ह है। तो यदि उस चिन्ह का वो आदर कर रहा है तो वह आदर वास्तव में भगवान के आदर में पर्यवसित होता है, वो भगवान का आदर माना जाएगा। वो व्यक्ति कम से कम यह जान रहा है कि ये अच्छा चीज है, यह कम नहीं है। आजकल तो दुनिया में बहुत कम लोग ये वेश धारण कर रहे हैं, लाखों लाखों में एक आदमी मिलेगा कोई वेश धारण किया संसार में, दुर्लभ। तो वेश का भी बहुत आदर करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी तिलक धारण आदि करना एक स्वतंत्र भक्ति माने हैं। भक्ति के 64 अंगों में एक अंग है तिलक मुद्रा धारण करना है। तो गोप वेश बनाया था इसलिए भगवान ने स्वीकार किया उसको। अच्छा, यह भी स्वीकार किया कि ले जाए, धीरे धीरे ले जाए, चतुर पंचावश्य सीता, केवल 4-5 रह गए। सैकड़ों साथी थे भगवान के गाय चराने वाले, और जितने लोग भेड़ बनते थे, बनते में तो सबको तो ले ही गया, कुछ लोग पाल बनते थे, लेकिन बाद में जब वो देखे कि भेड़ बनने वाले बहुत कम हैं, तो जो पाल थे वो भी थोड़ा भेड़ बनने लगे भेड़ बनने लगे और भेड़ बनते थे तो गोमासुर की गुफा में जाते थे। भगवान ने देखा कि अरे केवल 4-5 बच गए। शिल सुखदेव स्वामी कहते हैं शिलया पिदधे द्वारम चतुर पंचावस्थे सीता, केवल 4-5 रह गए। ये प्रश्न होता है क्या सुखदेव गोस्वामी भी नहीं एग्जैक्ट गिन रहे हैं कि 4-5 कह रहे हैं? अरे 4 बचे होते तो 4 कहना चाहिए था, 5 बचे होते तो 5 कहना चाहिए था। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी का ध्यान इस तरह से पूरा नहीं जा रहा है, मतलब 4-5 बचे थे, मतलब यही ज्यादा से ज्यादा 5 और कम से कम 4 अरे ये इतना ही बचे थे। यह एक शैली है कहने की, मतलब बहुत थोड़े बच गए, चतुर पंचावशेष। तो भगवान उसके कर्म को समझ गए, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ हैं और सज्जनों के भक्तों के शरण हैं। तो भगवान ने देखा कि ये इस तरह से हरण कर रहा है, तो अभी एक बच्चे को 4-5 में एक बच्चा था जो मेष बना हुआ था, तो उसको वो पकड़ करके अब चलना चाहता था। तब तक जैसे सिंह झपट करके किसी ब्रिक को पकड़ ले, उस तरह से भगवान जा करके पकड़ लिया। भगवान के लिए हरि शब्द आया भी, हरि पकड़ लिया, हरि सिंह को भी कहते हैं। जैसे सिंह भेड़ियों को पकड़ ले, वैसे भगवान जा करके उसको पकड़ लिए। कहाँ पकड़े? गर्दन पकड़े दोनों हाथ से, क्योंकि दोनों जब जब ये बच्चों का अपहरण कर रहा था, ले जा रहा था, तो सबसे पहले व्योमासुर ऐसे पकड़ करके टांग करके उनकी गर्दन दबा देता था, बोलने ना पाए। जब ही पकड़ता था तभी उनके गर्दन को हाथ से चाप देता था कि कोई आवाज न करने पाए, और नहीं उसको शंका थी कि जब ही उठा करके चले और तब ही कोई कहे कि हे कृष्ण, तो पोल खुल जाएगा, कृष्ण खतरा कर सकता है। तो इस तरह से वो दबा करके जाता था। अतः भगवान भी जब इसको पकड़े तो गर्दन पकड़े, और ऐसा पकड़े कि फिर वो छुड़ा नहीं पाया, और कंठ दबा करके ही मार डाले। पशु मारो मारे, आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं निःश्वासम अमारे, सांस रोक लिया भगवान ने कंठ दबा करके, और इस तरह से वो मार दिया गया। मारने के बाद भगवान उस रास्ते से गए, अब तो लीक लग गई थी ना, बार बार धोया था तो बड़ा बड़ा चरण उसका सब रास्ता अपने आप बन गया था। खेल के मैदान से धो धो कर कहां ले गया तो कई खेप लगाने से रास्ता क्लियर था। भगवान वहां गए अपने बचे हुए साथियों के साथ, और वहां जा करके गुफा का पहन हटाए, विधान हटा करके
और उसके भीतर प्रवेश किए, प्रवेश करके बच्चों को निकाले, उनको कोई घाव नहीं लगा था, फिर बाहर निकाल करके तब देखने लगे अच्छी तरह से, कहीं घाव तो नहीं लगा है, कहीं काटा तो नहीं है, कुछ नहीं किया है, सब ठीक हो। और अब क्या था, गोप लोग स्तुति कर रहे थे और अब अपनी गाय लेकर के भागे ब्रज पे। तो खेल खेल में ऐसी बाधा आ सकती है, और गोप का वेश धारण करके मारने के लिए ले गया था। तो अब गाय लगभग शाम हो भी गई थी, तो प्रभु विशेष गोकुलम, भगवान सबको लेकर के अपने गोकुल आ गए। स्वगोकुलम से यह तात्पर्य है कि अभी भी भगवान गोकुल में ही रहना चाहते हैं। नर जी कहने के बाद स्वगोकुलम अपने गोकुल में प्रवेश किए, नर जी कहने के बाद भी भगवान के मन में पूरा पूरा ये नहीं बात आई कि चलो, लेकिन जब अक्रूर जी आकर दुख निवेदन करेंगे और ये कहेंगे कि आप नहीं चलेंगे तो वसुदेव जी का बस दो अब करने वाला, तब भगवान और बलराम जी कहेंगे बस बस चलेंगे चलेंगे, अनाउंस करा दीजिए कल सवेरे निकलेंगे, भगवान ने कहलवा दिया। नंद बाबा से कहा कि बाबा बहुत बड़ा उत्सव है, चले मथुरा, कभी गए नहीं है, शहर नहीं देखे है। नंद बाबा ने नहीं सोचा कि एक गांव में रह गया, गाय चरा रहा है, चलो थोड़ा शहर देखेगा, राजा से भेंट होगी, परिचय होगा, कोई बात नहीं। तो इस तरह स्व गोकुलम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें अपने गोकुल में भगवान प्रवेश किए। हरिश्री जी इस लीला पर भगवान के एक विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया भगवान ने। बच्चे जब भेड़ बने तो उनको ब्रह्मासुर ले गया और भगवान ले जाने दिए और फिर उनको छुड़ाए, ऐसा क्यों किया, इस लीला के पीछे भगवान का आशय क्या है। एक श्लोक में वे कहते हैं, सिद्धे स्वप्यत्र केचिद बहिर बहिर अहो रात्र मक्षा मत का केचिद बाह्य दम्भा विषय रस भुजस त्वंतरे मोस्मृत्या अन्य त्वानंद भाग त्वानंद भोगा अपरिचित मनसो मेषवन मार्ग भाज तत्राद्या नैव माया स्पृशति तदपरां किंचित अन्यस्तु पूर्ण। जो लोग इस संसार में सदा सावधान रहते हैं, बाहर और भीतर दोनों तरफ भगवान को देखते हैं, एक तो ये, और दूसरे हैं जो बाहर से दम्भी होते हैं, बाहर से भगवान को स्वीकार करते हैं अंदर से नहीं, एक तो ये कोटि है। और कुछ ऐसे हैं जो बाहर या भीतर कहीं भी वो सावधान नहीं होते हैं, तो इनको माया, पहले को तो माया नहीं पकड़ती है, बीच वाले को थोड़ा पकड़ती है और बाद वाले को पूरा पकड़ लेती है। इसमें उदाहरण दे रहे हैं, एक लीला के द्वारा भगवान संकेत कर रहे हैं, ये समझना चाहिए, प्रतीक नहीं है, संकेत है कि बच्चे आंख बंद बंद करके भेड़ बन रहे थे। तो यह भाव ये है कि जो भगवान से अपनी दृष्टि को हटा करके और इस तरह से असावधान होगा, तो भगवान पर दृष्टि रखनी चाहिए, देखना चाहिए, तो आंखें बंद बंद करके भेड़ बन रहे थे तो क्यों नहीं उनका हरण होगा। और इतना नहीं हो जाना चाहिए बिल्कुल भेड़ हो जाए, सावधान होना चाहिए कौन हमको उठा रहा है, कौन ले जा रहा है। तो हरिश्चंद्र जी के कहने का आशय है कि सावधान रहना चाहिए, बच्चे असावधान हो गए, क्या हो गए, तो जब असावधान हुए तो वे शून्यवाद में चले गए, व्योम में चले गए, उसके साथ वो हरण किया आकाश में, तो आकाश को भी शून्य कहा गया। तो कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा, जैसे प्रभुपाद जी के विषय में कहा जाता है कि शून्यवादी का निस्तार करने वाले, तारने वाले, ये बौद्धों की फिलॉसफी है। वे जानते हैं कि जब हम कुछ सोचे नहीं, शून्य हो जाए, इसी को निर्वाण करते हैं। अगर शून्य को ही निर्वाण माना जाता है तो ये ऑपरेशन करने में जो शून्य कर देते हैं, ऐसा सुई दे दे करके ही जीवन भर निर्वाण में रहना चाहिए, कोई चीज याद ही नहीं आए। तो ये बच्चे शून्यवाद में आए, मतलब वो कहते शून्य में आकाश में आए, ये प्रभाव होता है। जो भगवान को नहीं देखेगा, जानबूझकर के भगवान से आंख बंद करके इधर उधर रहेगा,
तो पहले तो शून्यवाद में होगा, आलसी होगा, कोई चीज सोचेगा नहीं, और बाद में माया के गुफा में पटका जाएगा, प्रपंच के गुफा में। लेकिन ऐसा होने के बाद भी यदि भगवान के चरण कमल का स्मरण करेगा वो, तो भगवान डायरेक्ट आकर के माया से इसका उद्धार करेंगे, ये संकेत भगवान कर रहे हैं इस लीला के बाद। अन्यथा ऐसे कराने की जरूरत क्या थी? वैष्णवों को भी सावधान रहना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं सिद्ध हो गया, बहुत बड़ा साधक हो गया, अब मनमाना सोम और मंगला आरती की कोई जरूरत नहीं। मंगला आरती की जरूरत नहीं है, टाइम पर भोजन कर लेना चाहिए क्योंकि शरीर ठीक रखना है, समय से खा लेना चाहिए। लेकिन मंगला आरती आदि तो ये तो छोटे भक्तों के लिए है, हम तो अब बड़े भक्त हो गए इसीलिए हमें जरूरत नहीं, तो फिर पकड़ेगा व्योमास। भेड़ बने हुए आंख बंद करके बेड पर, तो व्योमासु पकड़ करके ले जाएगा, पहले तो शून्य करेगा शून्यवाद, और इसके बाद प्रपंच के गुफा में डाल देगा। प्रपंच मतलब यही संसार का सब काम धंधा डाल देगा। लेकिन कदाचित यदि याद आएगा, बच्चों को तो ये याद था ही नहीं, कृष्ण कहा है आवे बच्चा आवे, सब लोग रो रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो भगवान जा करके डायरेक्ट अपने हाथ से पिहान हटा करके और उठा कर चला। तेसा महम समुद्धरता मृत संसार सागरा भगवान नचिरात पार्थ मैया वे चेत। कुछ भी हो लेकिन भगवान के चरणांबुज का यदि ध्यान किया जाए तो भगवान उद्धार करते हैं। अतः यहाँ पर एक श्लोक लिखा जा रहा है कि तस्मात् त्राता सर्वदा सर्वतोपि सर्वत्रापि श्री से एको दयालु निश्चित एवं तत्पदाब्जावलंब कार्य उनसे त्यर्थ इद्रिक चरित्र। इस चरित्र में यही शिक्षा दी जा रही है कि भगवान श्री कृष्ण ही सब प्रकार से सब समय सर्वत्र रक्षा करने वाले हैं, यह सोच करके उन्हीं के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। तो बच्चे खेल कर रहे थे, इन पर संकट आ गया, भगवान आने दिए दिखाने के लिए कि इस तरह से कोई व्यक्ति मुझको मुझसे आंख हटा करके फंस जाता है, लेकिन अगर मन से मेरा स्मरण करे तो मैं उसको पार कर देता हूँ। भगवान ने इस लीला के द्वारा संकेत किया। और अंत में हरिश्वर जी कहते हैं कि क्रीड़ा सक्तो पिन्नत्वम स्वन विस्मर सच तान्वहम मद रक्षणोदिक दयो नमान त्याज विभोधन। हे नाथ, आपका इतना सुंदर स्वभाव है, खेल में आसक्त रहने के बाद भी आप अपने मित्रों को नहीं भूले। खेल में आसक्ति होती है, अभी खेल में मस्त हो जाता है, तो खेलते समय भी आप अपने स्वजनों को नहीं भूले। आपके इसी स्वभाव की याद करके मुझे भरोसा होता है कि आप मुझको भी नहीं बिसारेंगे, अवश्य मुझ पर दया करेंगे। भगवान भले रासलीला कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, लेकिन अपने भक्तों को कभी नहीं भूल पाते हैं, उद्धार करते हैं। उनको ध्यान है कि कौन भेड़ बन गया और किसको हर कर निद्रा ले गई या आलस ले गया इधर उधर, भले वह नहीं याद कर रहा हो भगवान की, लेकिन भगवान उसकी याद करते हैं। कृष्ण बलराम याद करते हैं कि आज वो नहीं आया, आज कहीं गुफा में गिर गया। भगवान ऐसे चरित्र द्वारा कुछ शिक्षा देते हैं। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण। आप भगवान की कथा को इतना प्रेम से सुन रहे हैं और आप लोगों की उपस्थिति के कारण मुझे भी भगवान की लीला में कुछ रस मिल रहा है, इसके लिए आप सबको भूरी भूरी धन्यवाद। आप कथा में आते हैं इसके लिए भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अक्रूरो पिचताम रात्रि मधुपुर्यां महामतिः कुसित्वा रथमास्थाया
प्रययो नन्द गोकुलम् गच्छन् पथि महाभागो भगवत्यम्बुजेक्षणे भक्तिं परामुपगतः एवमेतद् चिन्तय किं मया चरितं भद्राम् किं तप्तं परमं तपः किं वार्थाप्यर्हते दत्तां यद्रक्ष्याम्यद्य केशवान् ममैता दुर्लभं मन्या उत्तमश्लोकदर्शना विषयात्मनो यथा ब्रह्मा कीर्तनं शूद्रजन्मनः मैवं ममाधमस्यापि स्यादेवाचिद्दर्शना ह्रियमाणः कालनद्या क्वचित् तरति कश्चन। तो दो दिन हम लोग सुने 36 और 37 अध्याय, जिसमें कंस की मंत्रणा सबसे पहले कही गई और इसके बाद केशी का वध, नारद जी के द्वारा भगवान से निवेदन तथा व्योमासुर का वध। तो ये सारी घटनाएं उसी दिन हुई जिस दिन अक्रूर जी सवेरे चले थे मथुरा से, जिस दिन चले थे उसी दिन तीनों घटनाएं हुई थी। प्रातः केशी का वध हुआ, दोपहर से कुछ पहले नारद जी आए और दोपहर के बाद व्योमासुर का उद्धार हुआ। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी अक्रूर जी के ब्रज प्रस्थान आगमन की कथा कह रहे हैं। अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नन्द गोकुलम्। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, अष्टत्रिंशे जथाध्यायन् अक्रूरो गोकुलम् गतः तथैव रामकृष्णाभ्याम् गृहम् नीत्वा सुसत्कृतः। 38वें अध्याय में यह वर्णन है कि अक्रूर जी जो जो मनोरथ करते हुए ब्रज में गए, कृष्ण और बलराम के द्वारा उनके सारे मनोरथ पूरे किए गए, गोकुल में उनका सत्कार हुआ। अब श्लोक का अर्थ इस तरह से पढ़ते हैं, तत् एवं नारदेन कंस बधाति कार्य विज्ञापिते श्रीकृष्ण मथुरां गन्तुम् उद्यतो वर्तते तदा अक्रूरोऽपि गोकुलम् आगमदित्या। यह अपि शब्द का अर्थ कर रहे हैं श्री श्रीधर स्वामी। इस प्रकार जब नारद जी के द्वारा भगवान कृष्ण को यह विज्ञापन दिया गया और उसके बाद जब श्रीकृष्ण मथुरा गन्तुम् उद्यतो वर्तते, जब मथुरा जाने का मन में बना लिए, तब अक्रूर भी गोकुल आए। यह अपि शब्द का अर्थ है। श्री सनातन गोस्वामी जी सबसे पहले अक्रूर जी को प्रणाम कर रहे हैं बृहद वैष्णव तोषणी टीका में। अक्रूराय नमस्तस्मै येन कंसोऽपि सेवितः गोकुले गोप गोप्याभ्य श्रीकृष्णैक दिदृक्षया। मैं अक्रूर जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो गोकुल में गोप और गोपियों से समृद्ध श्रीकृष्ण के दर्शन की लालसा से ही कंस जैसे नीच की भी सेवा की है। अक्रूर जी मथुरा में एक बहुत ही श्रेष्ठ है यादव थे, सातवत वंशी थे, ये 12 भाई थे। जब कंस अत्याचार करने लगा
यादवों को देवता समझकर उनका धन छीनना, जान मारना, घर द्वार से निष्कासित कर देना, ये सब करने लगा तो प्रायः सारे यादव भाग गए मथुरा छोड़कर। परंतु अक्रूर जी रह गए। अक्रूर जी जानते थे कि भगवान यहीं पर हैं गोकुल में, ब्रज में। यदि मैं दूर चला जाऊंगा अपने परिवार के साथ तो फिर आने में कठिनाई होगी, भगवान का दर्शन नहीं होगा, इसलिए कोई भी कष्ट सह करके मथुरा में ही रहना उचित। वह समय कभी तो आएगा जब भगवान की कृपा से मुझे सुयोग मिलेगा उनका दर्शन करने का। यह सोच करके कंस जैसे नीचे दैत्य की भी सेवा कर रहे थे। तो अक्रूर जी का यह मनोरथ जो हम पढ़ेंगे केवल आज का ही नहीं था। कंस की वे सेवा कर रहे थे कई वर्षों से, उस समय भी यही वास्तव में उनकी उनका मनोरथ था, लेकिन वह उस समय सुप्त था। कंस जैसे नीच की सेवा किया केवल कृष्ण से भेंट करने की लालसा से। राजा की सेवा करके धन प्राप्त करना और भोग भोगना ये अक्रूर जी का उद्देश्य नहीं था। अतः अक्रूर जी बंद नहीं है। कंसादि हननाय महाभागवतोत्तमेन श्री नारदेन अपि मधुपुरी प्रयाणाय भगवान निवेदित अक्रूरोपि प्रयेयः। यापि शब्दकार अत्वर्थे चकार, तू अर्थ में च शब्द का प्रयोग किया गया है। अक्रूर तो श्री भगवतो अनिच्छायाम अपि मधुपुरी गमने भक्त वर द्वया ग्रहो मुख्य हो तो सोचे। अक्रूर तो आए चले ब्रज के पथ पर, तो तू सब से ध्वनित किया जा रहा है कि भगवान की इच्छा नहीं थी मथुरा जाने की अपनी स्वयं, लेकिन भक्त वर द्वया ग्रहो मुख्य हेतु, दो भक्तों का आग्रह हेतु हो गए मथुरा जाने में, एक तो श्री नारद जी का और दूसरा अक्रूर जी का, दो भक्तों का आग्रह था। श्री भगवत अनिच्छाया नती मधुपुरी गमने भक्त वर द्वया ग्रह मुख्य हेतु सुचिता। ताम रात्रे जस्याम रात्र कंसेन आदिष्ट ताम तथा श्री हरिवंश, हरिवंश में लिखा गया उसी प्रति गोकुले प्राक श्री कृष्ण दर्शन सेवापेक्षा तच्च बनाद बनाद आग्ने सती विकाल एवं घटित इति आशेन श्लोक इति आशेन कि वन मध्य रात्र गमनम वर्तमान ज्ञानादिना न सिद्धेत इत्यादि अभिप्राय। एक प्रश्न उठता है कि जब कंस ने अक्रूर जी को आदेश दिया कि आप जाइए और जथा शीघ्र जाइए, तो अक्रूर जी रात्रि में मथुरा में क्यों रुक गए? इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि गोकुल है, गोकुल में प्राक श्री कृष्ण दर्शन अपेक्षा उद्धव जी अक्रूर जी जब ब्रज में जा रहे थे तो उनके मन में यही इच्छा थी कि प्राप्त पहले श्री कृष्ण का ही दर्शन करूंगा, यही उनके मन में अपेक्षा थी। सच बनाद आगने सती विकाले एवं घटे थे इतिहास में, और जहां तक भगवान की लीलाओं को सुनते रहते थे पहले तो जानते थे कि श्री कृष्ण का दर्शन बनाद आगमने सती वन से आने के बाद ही विकाले एवं घटे थे, विकाल शाम को कहते हैं। बंगाल में आज भी इसको विकाल को ज्यो कहते हो कहते हैं विकाल शाम सवेरे को सकाल, तो विकाल नहीं ये संभव है शाम को, इसलिए वो रुक गए मथुरा में। सवेरे अगर रात भर चल करके सवेरे पहुंचते तो दर्शन नहीं होता है, अथवा दो तीन घंटे का रास्ता था रथ से, तो अगर शाम को चलते 10 बजे या 12 बजे तो 2-3 बजे रात को पहुंच कर क्या करते हैं। इसलिए अक्रूर जी ने सोचा कि शाम को ही पहुंचना चाहिए, किंवा अथवा वन मध्य रात्र गमनम वर्तमान ज्ञान आदि न सिद्ध इत्यादि, अथवा पहले कभी गए नहीं थे नंदग्राम
तो वर्तम अज्ञानादिना रास्ते का ज्ञान नहीं था, तो इसलिए बड़ी बहुत ही कठिनाई हो जाती। और कोई उस समय ऐसा सिग्नल लिखा हुआ नहीं था कि ये दिल्ली रास्ता जा रहा है, साइन बोर्ड आदि जो भी जंगल में, तो इसलिए रात को रुक गए। लेकिन एक ग्रंथ में लिखा गया है विष्णु पुराण में कि तस्मिन् एव मुहूर्ते तु मथुरायाम सन्निर्जयम्, उसी मुहूर्त में जिस समय कंस आज्ञा दिया उसी समय निकल गए। मथुरायाम सन्निर्गत मथुराया सन्निर्गत निर्जयम् प्रीतिमान पुंडरीकाक्षम द्रष्टुम दानपते स्वयं स्वयं का अकेले। जब अक्रूर जी चले रथ पर तो किसी को साथ नहीं लिए। यह क्यों कह रहा है विष्णु पुराण कि उसी समय चल दिए, और भागवत कह रहा है कि रात में रुके, दोनों में संगति क्या है? संगति एक तो ये है कि कल्प भेद से कथा संभव हो सकती है, अथवा चल दिए उसी समय कंस के यहाँ से और मथुरा से निकल गए, और मथुरा के बाहर ही रुके रात भर। भगवान का जप करते हुए एकादशी थी, इसलिए काशी में ऐसे भी जागरण करना था। वे सोचे कि सवेरे निकलते समय बहुत लोग देखेंगे घर से, अतः रात्रि में ही मथुरा से निकल गए बाहर। अब बाहर कहीं रुके रहे, प्रातः होने पर चले। महामति, इस श्लोक में अक्रूर जी को कहा गया महामति। अक्रूरोपि च ताम रात्रि मधुपुर जाम महामति। महामति क्यों कहा जा रहा है? महति भगवत विषय मति जस्य स, महामति जिसकी मति भगवान के रूप गुण लीला माधुर्य आदि को पकड़े, समर्थ हो, उसको महामति कहेंगे। और लघु मति या तुच्छ मति का अर्थ है संसार के विषय भोग में ही मन हमेशा दौड़ता रहे। भगवान का सुंदर रूप, उनके विविध गुण विशेषताएं और उनका माधुर्य, उनकी बोली, उनकी चाल, इन सब में किसकी मति जाती? जो मति महती होती है, या भगवान के रूप गुण आदि को पकड़ने वाली मति ही महती मति है, महामति। महति भगवत विषय मति जस वक्षमाण मनोरथाभिप्राय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महामति इसलिए कह रहे हैं कि आगे जो मनोरथ की बात कही जाएगी उससे पता चलता है कि अक्रूर जी की मति कितनी महान थी, केवल भगवान उनके मति में बसे हुए थे, इसलिए महामति कह रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में श्रील सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बोले हुए जो भी वाक्य हैं या और भक्तों के कोड की तरह है, कुछ बहुत बड़ा कारण है उसके पीछे, वही शब्द दिया जा रहा है महामति। वक्षमान मनोरथाभिप्रायेण रथम आस्थाय कंसोदिष्टम रथम इत्यर्थ। पहले ही कहा था कंस की अनेन रथे न आनय, इस रथ से कृष्ण बलराम को लाइए, तो उसी रथ पर चढ़े जो कंस ने दिया था। कंसोदिष्टम मतलब कंसे न उद्दिष्टम निर्दिष्टम, कंस ने जिस रथ को बताया था उसी रथ पर चढ़े। आस्थाय आकार होता है सम ईशम थोड़ा, आकार सम्यक भी होता है पूरा, और आकार ईशक होता है ईशक थोड़ा, स्थाय थोड़ा सा बैठ कर, क्योंकि वास्तव में उस रथ पर भगवान बैठने वाले थे, अतः ये थोड़ा बैठने का मतलब सारथी के स्थान पर ही बैठे। रथ ले जा रहे थे इधर से उधर से, रथ यात्रा करा कर आएंगे, उधर से रथ पर लेकर कृष्ण बलराम को आएंगे, तो उस स्थान पर नहीं बैठे जहाँ भगवान बैठने वाले। तो आ का ये अर्थ है कि सारथित्व ईशत अधिष्ठाय आश्रित के अर्थ रस पर बैठ कर प्रयजऊ यजऊ प्रकर्षण जजऊ प्रकर्षण वक्षमाण तत्तन मनोरथ सुखादिना जजऊ। जो आगे कहा जाएगा विविध मनोरथों के सुख के साथ गए, मनोरथ सुख
जब संसारिक मनोरथ में इतना सुख मिलता है तो भगवान के विषय में जो मनोरथ हो रहा होगा कितना सुख मिलता होगा। तो गए तो रास्ते में परमानंद में मग्न थे विविध मनोरथों के साथ। नंद गोकुलम नंदस्य गोकुलम सर्व गोपावासम ब्रजमेव, नंद के गोकुल में गए इसका अर्थ है कि ब्रज में गए, अथवा उपनंदादि गोकुल व्यवच्छेदार्थम नंदस्य इति विशेषण। गोकुल तो बहुत है, कहीं उपनंद महाराज की गौएं रहती थी, कहीं और गोप की, कहीं और गोप की, कहीं जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो क्रूर जी कहाँ गए, नंद के गोकुल में गए, वहीं पर भगवत अवस्थान, क्योंकि भगवान वहां थे। उपनंद आदि के गोकुल से व्यवच्छेद बताने के लिए नंदस्य इति विशेषण नंद गोकुलम यजन तत्रैव भगवत संदर्शन संभवात, वहीं पर श्री भगवान का दर्शन संभव। अथवा नंदयति इति नंदम जब गोकुलम तत्, अर्थात नंद गोकुलम का अर्थ है, नंद का अर्थ है आनंद, जो गोकुल सबको आनंद में सराबोर कर देता है उस गोकुल में गए। नंद गोकुलम तो आनंद गोकुलम, नंद या आनंद में कोई भेद नहीं, आनंदमय गोकुल में गए। शिल विश्वनाथ शुक्र सागर कहते हैं, ताम रात्रि ताम एकादश्य रात्रि महामती रीति, महामती क्यों कह रहे हैं, भगवत कथार्चना जागरणेन उसीत्वा पारणम अकृतव जयम, भगवान के कीर्तन और अर्चन में रात भर जगे और बिना पारण किए ही चल दिए, ये है महामती। केवल भगवान के कथा कीर्तन से मतलब है खान पान भी भूल गए, व्रत की पूर्ति पर भी ध्यान नहीं गए। गच्छन् पथि महाभागो भगवत्यं भुजे क्षणे भक्तिं परामुपगत एवमेतद् चिन्तयत्। कथं प्रयजल, कैसे गए, प्रकार विशेष बता रहे हैं। महाभाग महाभाग्यवान, प्राप्त भगवत कृपा लक्षण, भगवत कृपा इन्हें प्राप्त हुई थी। भगवान जिसको अपना बना लेते हैं उसके मन में इसी प्रकार का विचार उठता है जैसा अक्रूर जी के मन में उठ रहा है। जिस व्यक्ति को भगवत कृपा प्राप्त है वास्तव में वही इस संसार में महाभाग्यशाली। श्रील सुखदेव गोस्वामी पहले तो महामती कहे, उनका मन बहुत बड़ा था। महामती माने महामाना, बहुत ग्रेट मन था, उदार मन और महाभाग। अक्रूर जी के लिए सब जगह महाशब्द ही लगाया जा रहा है, महामती और महाभाग्यवान, महाभाग्यवान। आगे जब मनोरथ आप सुनेंगे तब पता चलेगा कितना बड़ा भाग्यवान, और वास्तव में सारे मनोरथ यथावत पूरे हो गए। भगवत तम उज्जय क्षण पराम भक्ति में उपगत, अथवा महाभाग्य इनका क्या था कि भगवान अम्बुजेक्षण में कमल नयन में पराम भक्ति उपगत, पराम सर्वोत्कृष्टम भक्ति प्राप्त उपगत, अथवा पराम अप्राकृत भक्ति प्राप्त थी भगवान के चरणों में। अप्राकृत का अर्थ है प्रकृति के गुणों से पार, जैसे उस श्लोक में कहा गया है सबै पुंसाम परो भक्ति जतो भक्ति रधो परो धर्म जतो भक्ति रधो चले तो क्या प्रतिहता जजात्मा संप्रसिद्ध। तो भगवान कमल नयन में पराम भक्ति उत्पन्न थी पहले से ही, ये ध्यान रखना चाहिए। रास्ते में जब चलने लगे उस समय भगवान में पराम भक्ति प्राप्त हो गई, यह अर्थ नहीं है। गच्छन पथि पथ में जाते समय एवं एतद् अचिन्तयत्, इससे इसका संबंध। लेकिन वे महाभाग्यवान थे और भगवती अम्बुज क्षणे पराम भक्ति उपगत, भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया जा रहा है तो उनका नाम दे रहे हैं अम्बुज क्षणे। अम्बुज का अर्थ कमल, अम्बु अम्बु का अर्थ होता है जल, और ज का अर्थ है जन्म लेने, कमल जल से जन्म लेता है इसलिए उसको अम्बुज कहते हैं, अम्बुज। और लोच इच्छा है
इच्छण का अर्थ होता है आंख। भगवान की आंख है कमल से भी अतिशय सुकुमार और सुंदर, बहुत सुंदर। जिस प्रकार ब्रह्मा जी के लिए पितामह शब्द का प्रयोग किया जाता है, कहीं पितामह कहा जाए शास्त्रों में तो उसका अर्थ होगा ब्रह्मा जी। यदि आशुतोष शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो उसका तत्काल अर्थ भगवान शंकर होगा, वो तो बहुत जल्दी खुश होते हैं और ब्रह्मा जी सबके दादा है। पितामह शब्द कहते ही बस उनका बोध होगा। या महाभारत आदि में कहीं पर प्रसंग चल रहा हो तो वहां पितामह कहने पर भीष्म जी का बोध है, लेकिन केवल कमल नयन कहा जाए तो उसका अर्थ है भगवान कृष्ण विष्णु सीधा, और कोई विष्णु और कृष्ण कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विशेष करके भगवान शिव के आंख के साथ भगवान के आंख की तुलना की गई है तो वो तो लोहिताक्ष विकटाक्ष है, उनकी बहुत विकट आंखें हैं। ऐसे उनकी निंदा करते हुए दक्ष प्रजापति कहा मरकट लोचना, इसकी आंख बानर के आंख के समान। ऐसा है नहीं, वो तो दोष दृष्टि किया था, लेकिन फिर भी भगवान की जो आंखें हैं ओहो अद्भुत, कमल के समान सुशीतल। किसी को भगवान देख दें एक बार तो उसके जन्म जन्म की जलन मिट जाती है, केवल देखते ही इतना सुख है। तो यह तो एक उपलक्षण है, इसके द्वारा भगवान के सर्व सौंदर्य का वर्णन किया गया। परम सुंदर, परम रसिक, परम मधुर भगवान श्याम सुंदर में पराम भक्ति प्राप्त थी इनको। उपगत, उपगत का उप अधिकीन गत प्राप्त, बहुत अच्छी तरह से भक्ति प्राप्त थी, मतलब पूर्ण शुद्ध भक्त थे अक्रूर जी भगवान के। और जहाँ इनकी भक्ति थी अर्थात भगवान कृष्ण में, भगवान कृष्ण ही भजनीय हैं, इस बात को कहने के लिए सुखदेव गोस्वामी अमुजेक्षण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भक्ति कोई किसी की करे लेकिन वो कर नहीं पाएगा बहुत काल तक, और जिसकी भक्ति कर रहा है उसमें बहुत बहुत गुण नहीं है, थोड़ा थोड़ा एक आध गुण है, वो भी दो चार साल रहेगा या दो चार कल्प रहेगा। लेकिन भगवान सर्व सद्गुण के आगार हैं, परम सुंदर हैं, परम कृपालु हैं। वास्तव में भक्ति कृष्ण की ही करनी चाहिए, अमुजेक्षण की ही भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में पराम उपगत शब्द यह बता रहा है कि वास्तव में यहीं पर भक्ति हो सकती है। भक्ति के लिए एक तो उपास चाहिए, भगवान और उपासक जीव और भक्ति उपासना। लेकिन जब किसी साधक को यह चुनाव करना हो कि हम किससे प्रेम करें, किसकी भक्ति करें, तो जो सर्व सद्गुण संपन्न है, सब प्रकार से परम कृपालु है, उसी की भक्ति करेंगे ना। जैसे श्री जी ने सबका तिरस्कार करके नारायण को वरण किया, नारायण का वरण किया, तो सब में दोष निकाल दिए। वरमाला हाथ में लेकर के लक्ष्मी जी सोचने लगी मैं किसका आश्रय लूं, तो सारे देवताओं को ऋषि मुनि जो हो चुके हैं, जो आगे होंगे, जो हैं, सब में उन्होंने दोष निकाल, कई बार दोष निकाल रही हैं। तो दोष निकालते निकालते कहती हैं किसी किसी में बहुत ज्ञान है लेकिन उन्होंने काम को नहीं जीता है। जैसे ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे ही दौड़ गए थे, मगर बहुत थोड़े दो चार सेकंड के लिए। वास्तव में तो ये केवल भगवान के द्वारा एक प्रदर्शन था कि इतना बड़ा काम का प्रभाव। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ये बेकार आदमी है, क्या ज्ञान काम करेगा। अच्छा, तो फिर बिचारा कि भगवान शिव तो काम को जीत लिए हैं, तो कहते हाँ ये तो काम को जीत लिए हैं, लेकिन इनको रह रह करके बहुत विकट क्रोध आ जाता है। अथवा ये क्रोध को भी जीते हैं, काम को भी जीते हैं, भगवान शिव बहुत दीर्घायु हैं, लेकिन इनका जो रहन सहन है, ढंग है, पोशाक, ये सब बेढंगा है, इसलिए इनके पास तो मैं रह नहीं सकती। श्मशान में रहना और वही बाघ की छाल पहनना, और कभी जीवन में एक बार भी भगवान शिव ये
सोडा साबुन लिपस्टिक नहीं लगाए हैं, केवल राख लगाते हैं, और वो भी मृतक की राख, चीता की राख लगाते हैं। हमने सुना कि महाकालेश्वर को उज्जैन में रोज नए मुर्दे का भस्म आता है। हम मंदिर में गए थे तो किसी ने कहा कि ये महाकालेश्वर का प्रसाद है। नहीं नहीं, नहीं। ये हम प्रणाम करते हैं, हम अधिकारी नहीं है ये लगाने के। बस सोचे कि मुर्दे की राख है, तो और लोग सब भक्त लगा रहे थे, कुंभ मेला लगा था, हम तो कांप गए, हम नहीं छुए कि नहीं ये भगवान शिव का अधिकार है, ये प्रणाम में है प्रसाद, लेकिन ये स्पर्श नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने इनको भी छाड़ दिया कि नहीं ठीक नहीं। अच्छा इंद्र तो है, बहुत बड़ा साम्राज्य है उनका, लेकिन इंद्र का कोई ठीक नहीं रहता, कभी भी कोई असुर आक्रमण करके इनका स्वर्ग छीन लेता है, तो बल है ही नहीं, जिसमें बल नहीं है उसका आश्रय लेकर मैं क्या करूंगी। किसी किसी में बहुत दीर्घ जीवन है लेकिन शील मंगल नहीं है, जैसे मार्कंडे जी या लोमस या सनकादिक, ये लोग बहुत दिन जिएंगे और काम क्रोध को भी जीत लिए, लेकिन शील मंगल नहीं है उनमें। लक्ष्मी जी सोच रहे हैं शील मंगल का।